पासवर्ड चेंज करने के करना है अपने क्रोम ब्राउज़र खोलना है, चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो। और यहाँ पर आपको डालना है 1, देखिए जैसे मैंने 1 डाला तो मैं लॉगिन किया था, तो आपको ये ध्यान से देखना है, इसी एड्रेस को लिखना है 192 और उसके बाद डॉट है, फिर 168, फिर डॉट 11 है, ठीक है, डॉट 11 है। तो इस पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ये इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर यूज़र नाम डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है। तो यूज़र नाम में क्या डालना है, देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये यूज़र नाम हो गया और ये पासवर्ड हो गया, इसको डाल लेना है, ठीक है। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ, पासवर्ड में है exe8008123, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़र नाम हो गया, ये पासवर्ड हो गया और यहाँ पर क्या करना है आपको, लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो ये लॉगिन हो गया, अब लॉगिन होने के बाद क्या करना है आपको, नाम चेंज करना है, ठीक है। तो आप नेटवर्क सेटिंग में आएंगे, नेटवर्क सेटिंग में देखिए मेरा दो बैंड है, एक 5G और 2.5G है ना, तो किसका पासवर्ड चेंज करना है, जैसे मैं 5G का चेंज करना चाहता हूँ, दोनों का एक ही होता है। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्या हो गया, नाम आप चाहे नाम भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया तो देखिए नीचे पासवर्ड की ऑप्शन है ना, तो यहाँ पर क्या है पासवर्ड, तो यहाँ पर आप अपने पासवर्ड डालकर क्या कर देंगे, यहाँ पर अप्लाई पे कर देंगे, जिससे अप्लाई चेंज है उस पर कर देंगे, तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, है ना। तो नाम जो पासवर्ड है ये अपने आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से 2.4 में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आ गया तो नेटवर्क में आएंगे, 2.4 पे आएंगे, है ना। तो यहाँ पर भी नाम इसका चेंज करने के ऑप्शन दे रखा है, तो ये मेरे कनेक्ट नहीं है ना, इसलिए ये बता रहा है आपको। जैसे जिसको चेंज करना है तो आपको पहले 2.5 से कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे देखिए मेरा 5G है, तो मैं 5G पे जैसे क्लिक करता हूँ तो वो हो गया, है ना। तो ऐसे ही आप 2.4 पर आप पहले क्या करें, अपने वाईफाई को देखिए यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 2. देखिए ये 5G है और 2.4 हुई है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर लूँगा अपने लैपटॉप को, वाईफाई को, दोनों क्लिक से मतलब कनेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं इसका भी पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, है ना। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब के लिए गुड बाय दोस्तों।